मेरा बात करने का ढंग इतना अच्छा है, दुकानदार पूछ रहा भैया यहीं से हो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो बस भाई यार, सुबह सुबह उठो और ये माहौल देखो, धुआं ही धुआं हर जगह। मतलब भगवान जी भी वो कर रहे हैं, एंटी ह्यूमन हो गए हैं कि हम तो भैया ठंड करेंगे जबरदस्त। और एक तो भाई स्ट्रगल बहुत रियल है, सुबह सुबह ये क्या नाम है, रजाई से निकलने का स्ट्रगल है ना। जिम वाले लड़के सब जानते हैं, क्योंकि यार सुबह सुबह जो कनेक्शन होता है ना रजाई और इंसान का, वो अलग ही रहता है। क्योंकि जो ठंड होती है ना, उसमें गर्माहट से निकला नहीं जाता। अरे यार, एक तो जल्दी में दूसरी चाबी उठा ली मैंने, और तू अपनी बाइक की टांगे आया, अब नहीं कराता। चलो चाबी तो ले ली, लेकिन यार बहुत दिक्कत है सर्दियों में। एक तो जी स्टार्ट नहीं होगी 4-5 किकों के बिना, क्योंकि सेल्फ इसका हो जाएगा बेकार ठंड के मारे, और किक के बिना चालू नहीं होगी। बाई चांस पैर में लग गई, सोने पर सुहागा। मुझे लगी आपने स्टोरी डाली ठंड नकाद होगी, मुझे क्या बता दी तक हो रहा है ठंड है या हाट आज सुनना पड़ गया। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, 100-200 ज्यादा रेंज में जिम को पहुंचा। वही तो मैं आसमान की ऊंचाई में पहुंच जाता अभी, असलियत में। मेरा बात करने का ढंग इतना अच्छा है, दुकानदार पूछ रहा भैया यहीं से हो। जल्दी पकड़, बहुत ठंड लग रही है। कोहरा तो कमी नहीं हुआ यार, नहीं दिखाई पड़ा बाहर से। वही तो, थोड़ा कम हो तो ना चैन मिले। चलो चल रही यार, ग्लव्स तो लाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं काम चलेगा, हाथ चले जाएंगे वरना। मोरी ले भैया ला दो मेरे भैया, जल्दी से जल्दी कुछ जाओ भैया, अब नहीं रहती ठंड में से। मोरी बहुत ठंड है, जो हुआ है बहुत है। हाँ भाई, मेरा तो दिमाग खराब हो गया बिल्कुल तरीके से। बकर अगर PPT ना हो ना, तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊँ इसका, LPU का ऑनलाइन। लिख के दे रहा हूँ भाई, अगर मेरी एडवाइस मानो, ऑनलाइन कुछ मत करना ऐसे। मतलब यूनिवर्सिटी भरोसा करके किसी पे भी, जो करना है अपना को पहले एक बार डेमो क्लासेस लेना, उसके बाद ही वो कुछ करना। क्योंकि अगर PPT ना हो, पीछे चलती हुई टीचर्स के पीछे, तो मैं बिल्कुल ना समझ पाऊँ, कुछ नहीं पढ़ पाऊँ LPU का। बस बकर बोलते जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा आगे, अजीब ही कंटेक्स्ट है उनका। जल्दी में एकदम फटाफट तैयार हो गए, जल्दी चलते हैं खेल ले। और बाकी हेयर स्टाइल मेरा थोड़ा रेट कर देना, थोड़ा नया ट्राई किया है, बाल पीछे करके आगे दस्त करके, तो कैसा लग रहा है प्लीज जरूर बताना। कि चंपू तो नहीं लग रहा हूँ कि ऐसे वगैरह, क्योंकि बता देना थोड़ा, मतलब फिर आगे एडजस्ट कर लेंगे, क्या रहता है कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज। भाई यार, एक तो इतनी ठंड है, और ठंड में अगर चोट लग जाए ना, क्या कह सकते हैं। वॉलीबॉल खेल रहे थे, अंगूठे में बॉल पड़ी, अंगूठा नहीं मुड़ रहा, और बहुत बुरा दर्द है यार, प्राण निकल गए अंदर से। क्या करें यार, वो भी केवल 6:30 ऊपर 7:15 हुआ है बस अभी केवल, और ठंड इतनी बढ़ गई है बाहर कि कुछ कह नहीं सकते। और उसी ठंड में लग गई, और अब दर्द हो रहा है क्योंकि ठंड और है। गर्मी होती तो सहम हो जाता, लेकिन ठंड में नहीं होता यार दर्द सहम, और वो भी अंगूठे में लगी सीधी लेफ्ट हैंड के। अंदर फटा होगा, मोहर सास को भी बॉल बहुत देर लगी ब्लॉकिंग करते हुए, क्या पता। रात के बज चुके हैं 11:15, और यहाँ अभी भी क्लास चल रही है यार, दिमाग खराब हो चुका है मेरा। तानी मेरी तो तानी, क्या ग्रह से ग्रह चल रही है। एक अंगूठा तो बस कल बच ही गया है, क्योंकि नेट के तार में उसके बस उसके साइड में नाखून से खून आ रहा था। आज ये भी अंगूठा गया, क्योंकि आज इस अंगूठे में बॉल लगी है, और बिल्कुल सुन्न है, और सूजन आ गई है। सूजा पड़ा, सूजी है, तो क्या ही कर सकते हैं। और पता नहीं यार क्या क्या होता रहता है, मैं पता नहीं वो शूट नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं शूट कर पाता हूँ। मैं बाइक से आ रहा था, बेफिजूल का एक रिक्शा ने बीच में घुसेड़ दी, उससे बहस होते होते ही रह गई ये बोलो। अगर वो शूट जाता ना, तो बता दो उसकी कितनी गलती थी। वो तो दिमाग खराब हो गया यार पूरा उस चक्कर में। और एक तो पता नहीं यार, एक तो 3 दिन से लगातार मैं बिंज वॉच कर रहा हूँ कोबरा काई को, तो एक तो पता नहीं एकदम जोश आ गया है,
कराटे वराटे सीखने का मन कर रहा है, एक हाथ को पेल दूंगा सही कि मतलब जो परेशान करे जो उंगली करे उसको पेल दे। पता नहीं क्या लड़के लड़ रहे हैं, मजा आ रहा देख के, अंदर से मतलब होता है ना खून में वाला सिर्फ मतलब मारा पीट है, लेकिन नहीं 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 ऐसा नहीं करना। मैं भी क्या कह रहा हूँ, अगर मारा पीटी करी तो भैया खुद भी पड़ती है भैया, और ठंड है, ठंड में चोट झेल ही रहा हूँ बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं झेलनी। चलो फिलहाल इसको अभी थोड़ी देर और चलाते हैं और अपना ब्लॉग शेड्यूल करते हैं, उसके बाद मिलते हैं कल आपसे, सोता हूँ फिर मैं भी। शुभ रात्रि टाटा बाय, टेक केयर। We'll be right back.